श्रीमद् भगवत गीता, इसमें हमें हमारी सभी समस्याओं का हल मिलता है, वो भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा। जब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें हमारी सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो आज हम इसके पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि है अर्जुन विषोद योग, जो हम हिंदी में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 1 से। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, जिसके पास दिव्य दृष्टि थी वो एक जगह से दूसरी जगह पर देख सकता था बिना कहीं वहां पर जाए। वो बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ी हुई सेना पांडव पुत्रों की भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्धों में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित, कुंतीभोज एवं मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधमन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिसर्वा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्धों में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीष्म ने पुंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक सबसे आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषीकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन लोगों की सेनाओं को स्थिति में स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सभी को देखा।
उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन सौजन समुदायों को देखकर मेरे अंग स्थिर होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, हाथ से गंडित धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्यों से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उनके प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं क्या प्रसन्नता होगी, इनको मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। अतएव हे माधव, आपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हमें कैसी खुशी होगी। यद्यपि लोभ से भर्चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे प्रभु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलधातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से संबंधित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकरण कारक दोषों से कुल घातियों के संतान कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजन को मारने के लिए उद्गत हो गए हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में ले लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गिम मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म होता है भगवत गीता का। सेकंड चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी नई वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।